हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम यूपीएससी। क्या कभी आपने सोचा है कि क्या क्लाइमेट चेंज किसी देश को एक ग्लोबल सुपर पावर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है? अभी तक हम देखते आए हैं कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज ने अपने सीवियर कंडीशन से नेशंस को, कंट्रीज को, रीजन्स को क्या क्या है हार्मफुल रूप से प्रभावित किया है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे, हम उन सारे फिनोमिनास पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार क्लाइमेट चेंज रूस को एक ग्लोबल पावर के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मेरा नाम है मनीषा सजवान और आप इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। रशिया आपका यूरेशिया कॉन्टिनेंट में फॉल होता है और हम कह सकते हैं कि जो रशिया आपका कवर्ड है वो 3 मेजर जियोग्राफिक नर्व्स से आपका क्या हुआ है, घिरा हुआ है। यानी कि जो आपका रशिया है, रशिया की आपकी 3 मेजर ज्योग्राफिक नर्व्स हो सकती है। एक तो जो आपका ये साइबेरियन रीजन है, जो आपका साइबेरियन रीजन है ये आपका मोस्टली फ्रोजन है, फ्रोजन वेस्टलैंड इसे आप कह सकते हैं। और जो आपकी जो कोस्ट लाइन है वो आपकी कवर्ड है आपकी आइस से, और जो वेस्ट कोस्ट है वो आपका क्या है, आपका बॉर्डर्ड है यूरोपियन नेशन से, और दिस पर्टिकुलर वेस्ट कोस्ट इज ससेप्टेबल टू इन्वेजन, ये हम कह सकते हैं, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे कि कैसे आपका जो क्लाइमेट चेंज है वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है रशिया को एक ग्लोबल सुपर पावर में। अभी तक हम देखते आए हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स है दैट आर करेंटली, वो आपके क्या है, करेंटली आपके क्या है, इम्पैक्ट हुए हैं आपके किससे, क्लाइमेट चेंज से। ह्यूमन प्रोडक्टिविटी एक टर्म है, लेट मी टेल यू कि व्हाट इज ह्यूमन प्रोडक्टिविटी जोन। ह्यूमन प्रोडक्टिविटी जोन हम उसे कहेंगे जहाँ पे आपकी ह्यूमंस की प्रोडक्टिविटी हमें मैक्सिमम दिखाई देती है। इस जोन का टेम्परेचर आपका क्या जनरली होता है 11 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे आपका जो आपका सदर्न पार्ट है आपका नॉर्थ अमेरिका का, आपका यूरोपियन नेशंस, आपका रशिया का सदर्न पार्ट, आपका जापान, आपका साउथ कोरिया, कोरिया, ये सारी आपकी कंट्रीज क्या होती हैं ह्यूमन प्रोडक्टिविटी जोन में अभी आपकी फॉल होती हैं अगर हम करंट सिनेरियो को देख के चले। लेकिन अगर आपके क्लाइमेट चेंज से आपका टेम्परेचर क्या होता है, राइज होना शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि 21st सेंचुरी के एंड तक जो हमारा ये ह्यूमन प्रोडक्टिविटी जोन है ये आपका शिफ्ट होता दिखाएगा टुवर्ड्स दी आपका आर्कटिक रीजन, टुवर्ड्स दी नदर्न पोल ऑफ आर ग्लोबल सिस्टम। अब आप देख सकते हैं कि आपका ये आपका क्या है, ह्यूमन प्रोडक्टिविटी जोन है। तो ये ह्यूमन प्रोडक्टिविटी जोन आपका क्या करता है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है आप किसके, रशिया को। आप फ्यूचर में देखेंगे कि किस प्रकार से रशिया इस क्लाइमेट चेंज का जो आपका ये ह्यूमन प्रोडक्टिविटी जोन आपका जो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हुआ है कि किस प्रकार उसका क्या कर सकता है, फायदा उठा सकता है। हम बात करें अगर रशिया की, रशिया जो आपकी कंट्री है इसकी, तो इसका जो आपका 53% एरिया है, 53% एरिया आपका क्या है, कोस्टल एरियाज है। किसका, जो आर्कटिक ओशियन है उसकी जो 53% कोस्टल लाइंस होती हैं वो आपकी अकेले रशिया के द्वारा क्या की जाती हैं, ली जाती हैं। और ये जो 53% है आप देख सकते हैं ये लार्जेस्ट है आपका किसका, लार्जेस्ट टेरिटरी है आपका, कोस्ट लाइन है आपके आर्कटिक ओशन की। अब हम देखेंगे कि जो रशिया की जो पॉपुलेशन है, अगर हम साइबेरिया की देखें तो साइबेरिया हमारा क्या, अभी ये वाला रीजन ही हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा फ्रोजन वेस्टलैंड है, और सबसे ज़्यादा फायदा भी आपके साइबेरिया को ही होगा अगर आपका क्लाइमेट चेंज क्या है इम्पैक्ट करता है रशिया को। तो अभी करेंटली जो रशिया की पॉपुलेशन है वो है आपका 33 मिलियन, और ये पॉपुलेशन आपकी क्या है एक मोरक्को से भी क्या है कम है, और ये जो पॉपुलेशन है ये है आपकी 1/5 ऑफ रशिया की। तो रशिया की पॉपुलेशन का जो 1/5 पार्ट है वो आपका मिल करके बनाता है आपका साइबेरिया। साइबेरिया को जो एवरेज टेम्परेचर है वो हमारा है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप देख सकते हैं कि अगर आपका जो क्लाइमेट चेंज, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अगर ये 0.5 से फर्दर आपका इंक्रीज होगा टेम्परेचर, तो आपका जो साइबेरिया है, साइबेरिया रीजन में आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपकी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, उनको एक बूम देखने को मिलेगा। एक रीज़न है आपका जो साइबेरिया के आपके क्या है वेस्ट ईस्टवर्ड जाने पे आपको मिलता है ओयमायकॉन,
इसका जो आपका विंटर में जो टेम्परेचर है वो हो जाता है आपका -71 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी गाइस, ये -7 नहीं है, ये होगा आपका -71 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अगर आपका क्लाइमेट चेंज इंक्रीज होता है तो फर्दर इन एरियाज में आपके रिसोर्सेस को क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं रशिया के मिनरल रिसोर्सेज की और माइनिंग की। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो हमें पता है कि किस प्रकार से जो आपका रशिया है, रशिया क्या है, आपका एक लार्जेस्ट एनर्जी क्या है, सुपर पावर है। अगर क्लाइमेट चेंज होता है, आपका वार्म अप होता है टेम्परेचर, तो जो आपके मिनरल रिसोर्सेज हैं आपके रशिया के, तो रशिया मिनरल रिसोर्सेज में आप क्या हो जाएगा, इंटेंशनली रिच हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। अभी भी ऐसा नहीं है कि रशिया के पास क्या नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, रशिया क्या है, रशिया के पास अबंडेंट मात्रा में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। बस ये है कि क्लाइमेट चेंज से वो आपके क्या हो जाएंगे, मोर एक्सप्लॉयटेबल हो जाएंगे। और रशिया इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर सकता है अपने इकोनॉमिक सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाने में। एक स्टडी कहती है कि अगर आपका क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करता है रशिया को, तो रशिया के जो आपके मिनरल रिसोर्सेज हैं, रशिया की जो माइनिंग है, उससे रशिया को फ़ायदा हो सकता है $2 ट्रिलियन का। ये तो अब समय ही बताएगा कि क्या रशिया को $2 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या हो सकता है, फायदा हो सकता है मिनरल रिसोर्सेज से या नहीं। और रशिया क्या कर सकता है अगर क्लाइमेट चेंज होता है, तो जो की कंपोनेंट्स अभी जो रशिया के पास है, रशिया के पास जो आपके क्या है मिनरल रिसोर्सेज हैं, वो क्या है, जो इनकैप्चर्ड हैं आपके ग्लेशियर्स में, जो आप कह सकते हो ठीक है साइबेरियन रीजन में या फिर नदन पार्ट ऑफ साइबेरियन रीजन में, वो है आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिंक हो गया, आयरन ओर हो गया आपका, ठीक है आपका सिल्वर हो गया है, आपका गोल्ड हो गया है, आपका निकल हो गया आपका, ये सारे। और हम कहें तो जैसे आपको कॉपर हो गया, मच इससे भी ज़्यादा आपके क्या है, इनमें आपका क्या हो सकता है, प्रोडक्शन आपका क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि आपकी माइनिंग भी आपकी क्या होगी, एक्सप्लोर हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो सी है, जो आपके जो आपकी आइस है, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है वो कवर होने लगेगा। इसका एक और फायदा रशिया को ये हो सकता है कि अभी रशिया की जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है वो हम जानते हैं कि काफ़ी बूम है। रशिया क्या है, वीट का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है ये हम सब जानते हैं। तो आपकी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है रशिया में, उसे क्या मिलेगा, एक बूम मिलेगा। क्यों, आपका जो एरिया है अभी, आपका जो आपके फूड क्रॉप जो आप प्रोड्यूस करते हैं एरियाज में, उसका प्रोडक्टिविटी जोन जो आपका नदन साइड है, उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो आपके लैंड्स हैं, लैंड्स विल ओपन अप फॉर फर्दर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, फर्दर आपकी रिसर्च भी हो सकती है आपकी किसमें, एग्रीकल्चर फील्ड में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अभी तक के कि जिसमें हमने देखा कि कैसे रशिया अपने क्लाइमेट चेंज का यूज करके फर्दर अपनी इकोनॉमी को क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया क्या है आपका, रशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी सुपर पावर है। और हम देखेंगे जो हमारे पास रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स में हम देख सकते हैं आपका एक प्रूवन रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैसेस है, अबंडेंट मात्रा में रशिया के पास क्या नेचुरल गैसेस है। रशिया क्या है, नेचुरल गैस का एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आपका ऑयल का। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो आपका नेचुरल गैस है, जो मिनरल रिसोर्सेज है, जो आपका क्या है, रशिया का एक बैकबोन बना हुआ है। और फर्दर ये बैकबोन आपका क्या हो सकता है, इन अपकमिंग फ्यूचर आपका क्या हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। रशिया आपका क्या लार्जेस्ट सप्लायर है नेचुरल गैस का यूरोप में। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो आपकी कंट्रीज हैं, आपकी यूरोपियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ये आपकी क्या करती है, रशिया से इम्पोर्ट करती हैं आपकी नेचुरल गैसेस को, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो आपकी रेड ब्लड लाइन्स हैं, किस प्रकार से जो आपकी आई थिंक 12 पाइपलाइंस है जो आपकी एक्सपोर्ट करती हैं आपके नेचुरल गैस को और ऑयल को आपके फर्दर यूरोपियन कंट्रीज में। तो ये एक बेनिफिट है। और आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल गैसेस और जो आपका ऑयल है, मिनरल रिसोर्सेज हैं, अगर वो आपके और ज़्यादा एक्सप्लोर हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैसे रशिया
अपने इस से जो आपका ये वाला रीजन है, जो आपका ये वाला रीजन है, फर्दर एक मिनट गाइस, ये वाला जो रीजन है, ये यहाँ पे आपके जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो आपके क्या है नेचुरल ऑयल है, ये आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है यहीं से, जो रशिया के आपका क्या करता है एक्सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि रशिया के जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट किस प्रकार से बेनिफिशियल हो सकता है आपका रशिया के लिए। अब हम आगे चलते हैं, आगे का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि जो साइबेरिया में जो आपकी पॉपुलेशन है, अभी जो साइबेरियन पॉपुलेशन है, मैंने अभी आपको बताया कितनी है आपकी, 33 मिलियन है। तो अभी साइबेरियन रीजन क्या है, क्या है मोस्ट पॉपुलेटेड आपका नहीं है, मोस्ट पॉपुलेटेड क्या पॉपुलेटेड भी नहीं कह सकते, जो आपके जो फर्दर बाकी जो आपके नियर बाई रीजन्स हैं उनसे जो आपके रिफ्यूजीज हैं, जो आपके क्या उनको क्या कर सकता है अडॉप्ट कर सकता है, उनको कहीं ना कहीं शेल्टर आपका प्रोवाइड करवा सकता है। अगर हम बात करें सी लेवल राइज की, तो सी आपका क्या करेगा, बाकी जो आपकी कंट्रीज है उनको क्या करेगा, हार्मफुल रूप से क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अगर हम बात करें अपने अमेरिका कॉन्टिनेंट की, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, आप देख सकते हैं बॉस्टन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, हॉस्टन, सियाटल, सैन फ्रांसिस्को, ये सब क्या है आपके कोस्टल एरियाज में आपके क्या है बसे हुए शहर है, और ये आपके मोस्ट पॉपुलेटेड आपके शहर है कहाँ के, आपके मोस्ट पॉपुलेटेड शहर है आपके नदन अमेरिका के। अगर सी लेवल आपका राइज होता है, आपके ग्लेशियर्स मेल्ट होता है, तो ये सिटीज आपकी क्या हो सकती हैं, इनके जो कोस्टल एरियाज है धीरे धीरे आपके क्या होने सबमर्ज होने लगेंगे वाटर के अंदर, सी के अंदर, तो ये पॉपुलेटेड एरियाज आपके क्या होंगे, फर्दर आपके क्या माइग्रेट होंगे आपके इंटीरियर एरियाज में। तो इस प्रकार से आपको जो सी लेवल है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपके नदन कॉन्टिनेंट्स को और बाकी कॉन्टिनें। अगर हम बात करें रशिया की, तो आप रशिया की जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है, जो आपकी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, वो हमारी कहाँ पे है, वो हमारी आप देख सकते हो सेंट पीटर्सबर्ग, ये आपकी सिटीज है बहुत सारी, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके नाम क्रेंसडॉ, ये आप जो आपकी सिटी है व्लादिवोस्टोक, ये आप पे देख सकते हैं, ये सारी आपकी जो सिटीज हैं ये क्या आपकी मोस्ट पॉपुलेटेड है। और कहीं ना कहीं इनका जो बॉर्डर है ये आपका कोस्टल रीजन से नहीं लगता, आप बस ये देख सकते हैं कि एक सेंट पीटर्सबर्ग का रीजन है आपका सी से, आप देख सकते हैं कि आपका क्या है क्रेजेनोडोर, ये है आपका किसे ब्लैक सी से लगा हुआ है, आपका रोस्टोव वर्नडॉन, ये देख सकते हैं ये आपका सी ऑफ अजोव से आपका टच है। तो ये कुछ आपकी क्या है सिटीज है, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज है जो आपकी क्या है कोस्ट को टच करती हैं। लेकिन अगर आप ये वाला पोर्शन देखेंगे आपका नदन पोर्शन, तो ये क्या है आपका पॉपुलेटेड नहीं है। तो क्या इसका फायदा रशिया उठा सकता है, जी हाँ बिल्कुल, रशिया इन फ्यूचर इसका फायदा उठा सकता है। अब हम अगर बात करें एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी की रशिया की, तो वो है आपका नदन सी रूट। नदन सी रूट अभी हम देखेंगे कि कौन सा आपका क्या है रूट है, नदन सी रूट जो आपका जाता है आपके किससे, जो साइबेरिया के ऊपर आपका क्या है नदन पार्ट है रशिया का, उसे हम कहेंगे सी रूट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका क्या है नदन सी रूट है, जो आपका इस कोस्टल एरिया को आपका क्या कवर करता है। अभी जो हमारे पास वर्ल्ड का जो बिजिएस्ट पोर्ट है वो है आपका संघाई, आपका इधर की बात करें आप, और अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की आपका क्या है रोटरडम क्या है आपका एक बहुत ही बिजी पोर्ट है। अभी जो आपको संघाई से लेकर के रोटरडम के बीच की जो आपकी क्या है दूरी है उसको तय करने में आपको लग जाता है 37 डेज, और ये दूरी है आपकी करीबन 18,000 किलोमीटर, और इसको पूरा करने में मैंने आपको बताया कितने आपको अभी दिन लग रहे हैं 37 डेज। और अगर हम वही बात करें आपके संघाई से लेकर के रोटरडैम के बीच की दूरी को, तो ये दूरी आपकी कम हो जाती है और घट करके हो जाती है 10,500 किलोमीटर, जिसको आपके केवल 22 दिन में क्या किया जा सकता है कंप्लीट किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अगर इन फ्यूचर अगर आपका स्वेज कनाल क्या हो जाता है ट्रैफिकली क्या हो जाता है बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आपका ट्रैफिक हो जाता है, तो आपका जो आपका नदन सी रूट है ये आपका एक क्या कर सकता है ऑल्टरनेट रूट
प्रोवाइड करवा सकता है इन फ्यूचर, अगर क्लाइमेट चेंज से आपका क्या होता है, अगर आपकी जो आइस है, कोस्टल आइस अगर आपकी ये मेल्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रशिया इज हैविंग अ वेरियस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लेट मी समराइज इन शॉर्ट नोट। आपने सबसे पहले देखा कि कैसे जो कोस्टल एरियाज हैं वो आपके जो साइबेरियन रीजन को, आपकी वहाँ पे आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। आपके मिनरल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, $2 trillion तक की आपकी क्या हो सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सकती है। आपके जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, आपके जो जिंक, आयरन, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, इन सब के बारे में हमने देखा, जो आपके क्या है की कॉम्पोनेंट्स होते हैं किसी भी आज के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर के अपने छोटी से छोटे जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं किस प्रकार से ये हेल्थ सिस्टम में हमारे यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि रशिया कैसे अपने ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट कर सकता है, और जो अभी बैकबोन है उसको कैसे आपका फर्दर इम्प्रूव कर सकता है, और अभी जो सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर है वो क्या अब फर्दर अपनी इसको क्या कर सकता है, इंक्रीज करके फर्स्ट यानी कि जो लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर है वो बन सकता है, फूड क्रॉप में इंक्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि रशिया क्या है, एक ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है। एक लास्ट टॉपिक आपका बच जाता है, वो है आपका क्या, आपके सब मरीन हाई स्पीड इंटरनेट केबल्स। ये अभी जो है आपका, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो आपकी लाइंस बिछी हुई है आपकी सब मरीन हाई स्पीड इंटरनेट केबल्स, ये लिंक कर रही हैं कंट्रीज़ को, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो आपका डेटा हो गया, आपका वॉइस डेटा हो गया, आपका वीडियो डेटा, ये सब आपका क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। चाइना और रशिया क्या कर सकता है, चाइना और रशिया ऑलरेडी इनके क्या है पॉलिटिकल अफेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो चाइना ने अभी क्या किया, रशिया के साथ डील्स भी अपने साइन किए ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट को लेकर के, बाकी जो आपका नदन सी रूट है उसमें भी इंटरेस्ट दिखाया है। तो चाइना, आप देख सकते हैं कि कैसे ये चाइना से यूरोप, इंडिया होते हुए ये सारी कंट्रीज़ के बीच में आपकी क्या है, जो आपकी सबमरीन हाई स्पीड आपकी इंटरनेट केबल्स हैं वो आपकी बिछी हुई हैं। अगर हम नदन सी रूट का यूज़ करते हैं, तो आपका डेटा कंजेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चाइना डायरेक्ट, अगर चाइना को इधर कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से अगर आपका क्या करना है, डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो इतने सारे बीच में जो आपके क्या है जो स्पॉट्स हैं जो आपके जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज से, ये जो आपके क्या ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं, तो चाइना कहीं ना कहीं अपना क्या कर सकता है, डायरेक्ट ना सदर्न रूट, जो आपका नदन सी रूट है, इसके थ्रू क्या कर सकता है, आपकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ क्या कर सकता है, लिंक कर सकता है, और बाकी कंट्रीज़ के साथ बिना इन्वॉल्व हुए। और किस प्रकार भारत इसका यूज़ कर सकता है, रशिया का जो आपके रशिया के साथ अच्छे अपने पॉलिटिकल अफेयर्स और इकोनॉमिक अफेयर्स को क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, अगर रशिया इस क्लाइमेट चेंज का फ़ायदा करवा सकता है इंडिया को, तो इंडिया क्या कर सकता है, जो आपका नेचुरल गैस है इसको, और जो आपका ऑयल है उसको फर्दर आपका ईरान हो गया, यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्री, वहाँ से ना एक्सपोर्ट करवा के रशिया के साथ डायरेक्ट करवा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से रशिया एक सुपर ग्लोबल पावर बन सकता है इन फ्यूचर, अगर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करता है रशिया को, और जो आपका टेम्परेचर, जो आपका वार्म अप हो रहा है, जो आपका सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, जो आपके ग्लेशियर्स हैं आपकी साइबेरियन रीजन में, जो आपके आर्कटिक रीजन में, वो अगर आपके मेल्ट हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रूस को एक ग्लोबल सुपर पावर बना सकते हैं। आई बिलीव आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।